होने जा रही है, बीजेपी की हवा निकल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा हर चरण के चुनाव के बाद जैसे जैसे उनका वोट गिर रहा है वैसे वैसे उनकी भाषा का स्तर गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी 4 जून को इस देश की सत्ता से विदा होने वाले हैं। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से सब पूरा करेंगे। राजीव राय जी घोसी से जीतेंगे और यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि आज आदरणीय शिवपाल जी प्रचार करने के लिए आए और स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पत्नी सुधा राय जी ने अपना समर्थन दिया है। सभी वर्गों का समर्थन राजीव राय को मिल रहा है और इसलिए वो चुनाव जरूर जीतेंगे। सांसद जी, राहुल गांधी को पाकिस्तान सपोर्ट मिलता है, उनकी जांच होनी चाहिए। जिन्ना की कब्र पे मत्था किसने टेका था? भाजपाइयों ने। आईएसआई को बुला के पठानकोट की जांच किसने कराई थी? मोदी ने। बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने कौन गया था? नरेंद्र मोदी। अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसने बुलाया था? नरेंद्र मोदी। तो पाकिस्तान परस्त अगर कोई देश में नेता और पार्टी है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं। हम लोगों के देशभक्ति पे सवाल उठाने का मोदी को कोई हक नहीं। 7 दिन की और मोहलत मांगी जा रही है अंतिम जमानत की याचिका दायर किया गया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसला देने दीजिए।